दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट आंध्रा बैंक में था तो दोस्तों अब जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो है आंध्रा बैंक मर्ज होकर बन चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आंध्रा बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो जाने से यह हुआ है कि अब दोस्तों आप अपने आंध्रा बैंक का बैलेंस अपने पुराने वाले मिस कॉल नंबर से चेक नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब जो है आपको अपने आंध्रा बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए नए मिस कॉल नंबर पर आपको कॉल करना होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप किस नंबर पर मिस कॉल करके अपने आंध्रा बैंक अकाउंट का बैलेंस अपने मोबाइल फोन में देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिए आगे भी इस तरीके के वीडियोज को देखते रहने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी नंबर तो चेंज हुआ ही है, और दोस्तों साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अब जो है आपके आंध्रा बैंक का आईएफएससी कोड भी चेंज हो जाएगा। हालांकि दोस्तों 31 मार्च तक आप अपने पुराने वाले आईएफएससी कोड का यूज कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद आपको अपने नए आईएफएससी कोड का यूज करना होगा। तो आप नया आईएफएससी कोड कैसे पता कर सकते हैं यह वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखकर अपना नया आईएफएससी कोड पता कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अब आप किस नंबर पर मिस कॉल करके बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो देखिए पहले जो है आंध्रा बैंक के सभी ग्राहक इस नंबर पर मिस कॉल करके अपने आंध्रा बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करते थे, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि अब अगर आप इस नंबर पर मिस कॉल करेंगे तो आपको अपना बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक नए नंबर पर मिस कॉल करना है। तो कौन से नंबर पर करना है, तो देखिए ये रहा स्क्रीन पर नंबर। तो जब आप इस नंबर पर अपने आंध्रा बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करेंगे तो उसके बाद थैंक यू फॉर कॉलिंग कहकर आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और उसके कुछ सेकंड के बाद आपके उस नंबर पर एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में आपको अपने आंध्रा बैंक अकाउंट का बैलेंस देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आंध्रा बैंक का बैलेंस नए मिस कॉल नंबर से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।